Assalamualaikum, my name is Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts Science and Commerce College for Women Malegaon Nasik. In this presentation we will discuss about the World War II for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is World War II. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में उसके कॉजेस देखेंगे आज के इस पीपीटी में. इन दिस प्रेजेंटेशन इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है डियर स्टूडेंट्स, कि कोई भी वाक़या या हादसे के पीछे एक सबब होता है. कार्ल मार्क्स का एक उसने एक डायग्राम बताया है, एक सर्कल बताया है, रीज़न, उसके बाद इंसिडेंट, उसके बाद नताइज. यानी कोई भी वाक़या या हादसा जो है तो उसके पीछे जो एक सबब होता है, वो वाक़या होने से पहले वो सबब बनता है, वो सबब फिर वो वाक़या वकू पज़ीर होता है, और उसके बाद जो है तो वो अपने नताइज और असरात छोड़ते हैं पीछे, है ना, वो इंसिडेंट. इसी तरह से जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जो है तो दूसरी आलमी जंग 1939 से लेकर 45 तक हुई, इसने भी जो है तो इसकी भी बहुत सारी वजह रही. और दूसरी आलमी जंग जो है तो वो हुई और इसने जो है तो इस अपने पीछे बहुत सारे इसने असरात और नतायज इसके सामने आए. उस डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो पहली वजह बनी, वजह तो बहुत सारी बनती है जंगों की, लेकिन जो फौरी वजह बनती है तो उसमें उस वजह से जो है तो जंगें वजूद में आती हैं. अब पहला इसका रीज़न था इमीडिएट कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड. जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स, है ना. पहली आलमी जंग के आपको पता है कि एक दो ग्रुप बने थे पहली आलमी जंग में, अलाइड पावर और एक्सिस पावर, है ना, ऑस्ट्रिया जर्मनी, और इस तरह से जो उनके ग्रुप थे ये पहला ग्रुप था, और इस तरह से सर्बिया का जो ग्रुप था वो अलग था. तो इन दो ममालिक, इन दो ग्रुप के दरमियान जो है तो जंगें लड़ी गई. अलाइड पावर में ऑस्ट्रिया जर्मनी तुर्की था पहली आलमी जंग में, और उसके बाद एक्सिस पावर में सर्बिया, फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में अमेरिका शामिल हुआ. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्कस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में करना पड़ा. तो जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स. अब जो शिकस्त खोर्दा ममालिक थे, यानी जो जर्मनी वाला ग्रुप था, है ना, अलाइड पावर वाला जो ग्रुप था, जो ऑस्ट्रिया का जो ग्रुप था, ऑस्ट्रिया जर्मनी और तुर्की वाला जो ग्रुप था, ये ग्रुप जो तो हार चुका था पहली आलमी जंग. अब जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स. पहली आलमी जंग के जो शिकस्त खोर्दा ममालिक थे उन ममालिक पर हद तक आमेज जो शरायत आयद की गई थी, जिसकी वजह से इनकी माली हालत जो है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. जब इनकी माली माशी हालत ख़राब हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में ये हद तक आमेज इल्ज़ाम आयद किए गए जर्मनी के ऊपर, है ना. तो जब इनकी माशी हालत ख़राब हुई और जंग का तावान जब इनको देना पड़ा ख़ास तौर से जर्मनी को, तो इसमें इस सूरत में उन लोगों ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इन ममालिक को जो है तो जब शरायत का सामना करना पड़ा, तो यहाँ की आवाम के अंदर जो है तो बदले के जज्बात उभरे. और ऐसी सूरत हाल में इन लोगों ने जो ये तय किया था कि हम दुनिया में एक दूसरी नई ताकत बनकर उभरेंगे. सेकंड कॉज बना, दिस डिवीज़न वॉज डन इन ऑर्डर टू गिव अ लैंड रूट टू पोलैंड अप टू द सी एंड पोर्ट ऑफ डेजिंग वॉर हैंडेड ओवर टू दिम, है ना. उसके बाद जो है तो डेजिंग, पोर्ट ऑफ डेजिंग, डेजिंग की जो बंदरगाह है ना, इसे जो है तो पोलैंड की बंदरगाह जो थी डेजिंग, इसके ऊपर जो है तो जर्मनी ने जो है तो हमला कर दिया था. जर्मनी डिमांडेड अ पोर्ट ऑफ डेजिंग एंड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई अटैक पोलैंड विथ 56 जर्मन डिविजन्स, है ना. तो ये था दूसरी वजह बनी जर्मनी का पोलैंड की बंदरगाह पर हमला करना, है ना. पहली वजह थी कि ट्रीटी ऑफ वर्सल्स की बिना पर जो है तो जर्मनी पर हद तक आमेज जो है तो
इल्ज़ामात और शरायत आयद की गई, तो जिसकी वजह से जर्मनी जो है तो जर्मनी के आवाम में और जर्मनी में जो है तो एक एक तरह से उनके अंदर एक जज्बा, एक एक्सटेंट पैदा हुआ कि दोबारा जो है तो हम इसका इंतकाम या बदला लेंगे, और यही जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की पहली कॉज बना। दूसरी कॉज थी जर्मनी डिमांडेड अ पोर्ट ऑफ डेजिंग एंड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई अटैक पोलैंड विद 56 जर्मन डिवीज़न, यानी कि उसने जो है तो पोलैंड की बंदरगाह पर जर्मनी ने हमला किया। और उसके बाद थर्ड कॉज जो थी इंग्लैंड ऑब्जेक्टिव टू दिस इन्वेजन ऑन सेप्टेम्बर 3, 1939 फिफ्थ उसका कॉज ऑन 1 सितंबर 1939 हिटलर इन्वेड पोलैंड एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये सब तो कॉजेस थी ही, लेकिन और भी जो कॉजेस थी उसमें ये थी लीग ऑफ नेशन की नाकामी, के जंग के हालात और जंग के खतरात को टालने में वो नाकाम रही, जर्मनी की जारहाना कार्रवाई को रोकने में जो है तो लीग ऑफ नेशन नाकाम रही, है ना, कि जो सबसे बड़ा मकसद था लीग ऑफ नेशन का, मजलिस अक्वाम का, जो जिस मकसद के तहत फम किया गया था वो अपने मकसद पर पूरा नहीं उतर सकी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है तो वो 1939 से 1945 के दरमियान हुई, और यही वजह बनी कि जर्मनी की जारियत को ये रोक नहीं सकी लीग ऑफ नेशन, और जंग के खतरात को टालना, दोबारा जंग के हालात ना हो, दुनिया में अमन अमान कायम करने की कोशिश करना, इस कोशिश में लीग ऑफ नेशन नाकाम हुई और जर्मनी की जारियत को वो रोकने में नाकाम रही, यही वजह बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर की, यही एक वजह बनी। और इस तरह से जो है तो अगली एक और वजह थी जो इसमें बयान नहीं किया गया बट आपको मैं बताते चलूँ कि असलहा पर जो पाबंदी रखी गई थी कि हर कंट्री जो है तो अपने अपने पास उतने ही लिमिटेड हथियार रखेगा जितनी उसके को से ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हथियार आपस में यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो जितने वाले ममालिक थे उनके पास जो है तो ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक ऑफ आर्मामेंट्स हथियारों की जो है तो ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक करने की वजह से जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जो कमज़ोर और पड़ोसी ममालिक थे, उनके अंदर एक बेचैनी की लहर पैदा हुई, है ना, उन मुल्कों में अपने अमन और सलामती का ख़तरा लाहक होने लगा, जो जो कंट्रीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हथियार जमा कर रहे थे उनके अंदर जो है तो अपने पड़ोसी ममालिक के को लेकर इन्हीं पड़ोसी ममालिक के अंदर अमन और सलामती का खतरा लाहक होने लगा, इनके अंदर एक बेचैनी और लहर पैदा होने लगी, ये भी एक वजह बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर की, है ना। जाहिर सी बात है कि पड़ोस ममालिक अगर ज़्यादा हथियार रखने लगे तो ये देखकर हमें भी हमारे अंदर भी एक बेचैनी और एक वो पैदा होगी, एक एक्सटेंट पैदा होगी कि आज नहीं कल इन हथियारों का इस्तेमाल करके जो है तो हमारे अपने पड़ोस ममालिक जो है तो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो ये भी एक वजह थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, पोलैंड पर हमला, पोलैंड की बंदरगाह पर डेजिंग पर हमला किया जर्मनी ने, ये फौरी वजह बनी। तो ऐसे ही पड़ोस ममालिक जिन मुल्कों में हथियार रखने शुरू किए और लिमिटेड हथियार रखने की वजह से, लिमिटेड से ज़्यादा हथियार रखने की वजह से हर एक अलाउ था कि मतलब कि जैसे उतने ही लिमिटेड हथियार रखे जाएं जिनकी जिसकी उतनी उन लोगों को ज़रूरत है, तो ये एक बेचैनी पैदा हुई। और एक वजह ये थी कि खुफिया मुआहदात जो आपस में हुआ करते थे कि तजारती सनती असलही मामलात मुआहदात, ऐसे मुआहदा जो खुफिया तौर से कॉन्फिडेंशियल तौर से होने लगे थे, ये भी एक वजह रही वर्ल्ड वॉर सेकंड की, है ना। तो इस तरह से मैंने बताया आपको रीजंस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारी जो है तो वजह बनती है जंग के होने की, तो ये सब इमीडिएट कॉजेस और नॉर्मल कॉजेस वो मैंने आपको बताया। इमीडिएट कॉजेस में वॉर ऑफ रिवेंज आता है, द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हैड फेल्ड ऑफ सेटिस्फाई द पीपल ऑफ जर्मनी, है ना, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो हद तक इल्ज़ाम आयद किए गए थे
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना, जंग के तावान को लेकर, और इस तरह से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के को लेकर जो तो जर्मनी की आवाम बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं थे और बेचैन थे। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वेयर ऑफ सच अ ह्यूमिलिएटिंग नेचर दैट द जर्मन्स लुक टू इट एज अ ग्रोस एक्ट ऑफ इनजस्टिस। और इस तरह से उन्हें लगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो है तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है और जबरन जो है तो ये शराइत हमारे ऊपर लागू की गई। और वॉर ऑफ रिवेंज जो है तो यानी बदले की आग उनके अंदर, जब उन्हें उन जर्मन की आवाम को ये लगा कि हमारे साथ जो है तो बहुत ही इनजस्टिस हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर जो है तो उनके अंदर वॉर ऑफ रिवेंज यानी कि इंतकाम, बदले की आग जो है तो उनके अंदर भड़क रही थी। और द ट्रीटी अपीयर्ड एज द एफर्ट ऑफ अलाइज टू टेक एवरी अलाइज टू टेक एवरी। और इस तरह से जो है तो उनके अंदर जो है तो एक स्टिंट पैदा हुई कि हम जो है तो इस हद तक आमिर शराइत को जर्मन की आवाम जो है तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो भी एक फौरी वजह बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर की। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप मेड द वॉर इनवाइटेबल। बढ़ती हुई आमरियत पसंदी ने भी जो है तो जंग को मदऊ किया। डिक्टेटरशिप जो है तो आमरियत पसंदी को कहा जाता है ना, इनवाइटेबल यानी कि बढ़ती हुई आमरियत पसंदी ने भी उसको जंग को दावत दी। ज़्यादातर ममालिक को ये खौफ था कि जर्मनी अपनी हदों को बढ़ा रहा है ना, आमरियत पसंदी और डिक्टेटरशिप कायम करते हुए। अगर इसकी सरहद बढ़ती चली गई तो एक न एक दिन ये हम पर भी हमला करेगा, जो उसके आपसी पड़ोस ममालिक थे। तो इस तरह से दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जो है तो एक फ़िक्र बढ़ गई और जर्मनी के बारे में ये एक चीज़ सोच उनके जहनों में ये बनती चली गई कि आज नहीं कल ये डिक्टेटरशिप हम पर भी लागू करेंगे और इसकी आमरियत पसंदी हम पर भी कायम होगी। तो इस तरह से इटली के मेसोलिनी, जर्मनी के हिटलर और तुर्की के कमाल पाशा को लेकर जो है तो कमज़ोर ममालिक में खौफ पैदा होने लगा। इसकी वजह से जो है तो ये भी एक वजह बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर की बढ़ती हुई आमरियत पसंदी। उसके बाद अगला पॉइंट है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। बिहाइंड द डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट द डेवलप्ड एन आइडियोलॉजी दैट इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। दिस ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक व्यू that regarded the individual as an instrument to serve, है ना, जमहूरियत और आमरियत का नज़रियाती तसादुम, ये एक अहम पॉइंट इसमें ये है। देखना है हमें इसमें कि दूसरी आलमी जंग के दौरान ज़्यादातर ममालिक जो थे वो जमहूरियत के पैरोकार थे। वो चाहते थे कि दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम राइज हो, लेकिन जो ममालिक आमरियत पसंद थे, जैसे हिटलर ने जमहूरियत को पार्लियामेंट में बेवकूफ़ों की आमाजगा कहा था, इसका कहना था कि पार्लियामेंट में सारे बेवकूफ़ जमा होते हैं और मुल्क का मुस्तकबिल तय करते हैं। और आमरियत में ऐसा होता है कि कोई एक शख्स इक्तदार लेकर और पूरे मुल्क का फ़ैसला अकेला ख़ुद करता है और अपनी मर्जियात का निफाज करता है। तो ये था डिक्टेटरशिप और जमहूरियत में के तसव्वुरात में नज़रियाती तसादुम, है ना, आवाम की मर्जियात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता जैसा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रखा जाता है, ऑफ़ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, यानी आवाम की हुकूमत आवाम के लिए आवाम के ज़रिए चुनी जाती है। तो ये नज़रिया डिक्टेटरशिप में नहीं था। और कोई एक शख्स जो है तो इक्तदार में आता है और वही पूरे मुल्क का अकेला फ़ैसला करता है और अपनी मर्जियात का निफास करता है। तो यही चीज़ जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की भी वजह बनी, हिटलर की जारियत पसंदी, जर्मनी की जारियत पसंदी। तो एक अकेला शख्स जो है तो अपनी सोच को सिर्फ अवलियत देता है और पूरे मुल्क का मुस्तकबिल तय करता है, जबकि जमहूरियत में आवाम की सोच फिक्र और फ़ैसले को अवलियत दी जाती है। इसी के ऊपर से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उस वक्त कि जमहूरियत के
ऊपर से कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ये एक कहना चाहिए कि वजह बनी, कॉज बनी, इमीडिएट कॉज में से ये सब कॉजेस आते हैं जो हमने देखा है ना। और इस तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि लीग ऑफ नेशन जो थी वो भी जो है तो फेल हो गई। उस ज़माने में लीग ऑफ नेशन का जो काम था, जो मकसद था, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, वो भी अपने मकासद को फुल करने में, फुलफ़िल करने में जो है तो नाकाम रही। जो रोल होना चाहिए था लीग ऑफ नेशन का वो नहीं रहा, और जर्मनी की जारियत पसंदी को लीग ऑफ नेशन जो है तो वो रोकने में नाकाम साबित हुई। इस तरह से जो है तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की ये थी कॉजेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीपीटी में हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर जो है तो डिस्कस करेंगे।